अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी लेजेंडरी एक्टर हुसाम काजी, जिनका असल नाम हुसामुल्दीन काजी था, जिनका शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन अदाकारों में होता है, जो 4 मार्च 1961 को क्वेटा बलोचिस्तान में पैदा हुए। हुसाम काजी साहब ने अपने कैरियर का आगाज 80 की दहाई से किया। उस वक्त आप कॉलेज में जेर तालीम थे। आपने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में मास्टर की डिग्री हासिल की और लेक्चरर सेलेक्ट हो गए, लेकिन इसके बावजूद आपने अदाकारी ना छोड़ी। आपका शुमार 90 की दहाई के मशहूर और मकबूल अदाकारों में होता है। कैरियर की शुरुआत 80 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन क्वेटा से की। आपके पहले ड्रामा सीरियल का नाम है खाली हाथ। इस सीरियल के प्रोड्यूसर दोस्त मोहम्मद गशकोरी थे। मस्कूरा ड्रामा सीरियल में आपने कमाल की अदाकारी की, जिसकी वजह से आप टेलीविजन के मशहूर अदाकार बन गए। इस ड्रामे की बदौलत आपको मशहूर ड्रामा प्रोड्यूसर काजम पाशा ने अपने टीवी सीरियल में सिलेक्ट कर लिया, जिसका नाम था छाओ, और आपने इस ड्रामे में भी खुद को बेहतरीन साबित किया। यह ड्रामा सीरियल आपकी पहचान बन गया। 1984 में आपने बहुत सारे मशहूर प्लेस किए, जिनमें से मशहूर ड्रामे का नाम है मारवी। ड्रामा सीरियल मारवी में आपकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। ये उस वक्त का सुपरहिट ड्रामा था। हुसाम काजी ने बैयक वक्त कराची और इस्लामाबाद प्रोडक्शन हाउसेज में काम किया। अगर हुसाम काजी के ओवरऑल कैरियर की बात की जाए तो आपने तकरीबन 300 सीरियल में काम किया, जिनमें से अगर मशहूर सीरीज का जिक्र किया जाए तो उनके नाम हैं दर्द के फासले, मारवी, देश परदेस, सिलसिले और कशकोल। सन 2000 में हुसाम काजी साहब दिल के आर्जे में मुबतला हो गए, जिसकी वजह से आपने अपनी फैमिली के हमरा क्वेटा से कराची रहायश अख्तियार कर ली और वहां जेरे इलाज रहे। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया कि आप लेक्चरर भी थे, तो आपने अपनी बीमारी की वजह से कॉलेज से लॉन्ग लीव यानी रुख्सते कलां ले ली। लेकिन अफसोस के साथ दोस्तों, मूर्खा 3 जुलाई 2004 को हुसाम काजी साहब को अपने घर में हार्ट अटैक हो गया और उनको जल्दी से अस्पताल की तरफ ले जाया गया। लेकिन नहायत अफसोस के साथ पाकिस्तानी लेजेंडरी अदाकार रास्ते में ही दम तोड़ गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आप अपने खाल के खीकी से जा मिले। आपकी मैयत को कराची से उनके अबाई इलाके क्वेटा में ले जाया गया और रेलवे हाउसिंग सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आपके आखिरी ड्रामा सीरियल का नाम था मिट्टी की मूरत, जो पीटीवी की जानब से कराची स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। हुसाम काजी साहब सिर्फ 43 बरस की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। आपने सोगवारान में बीवी और 3 बच्चे छोड़े। जिस वक्त आप इस दुनिया से रुखसत हुए, उस वक्त आपका सबसे छोटा बेटा जो सिर्फ 40 दिनों का था। यकीनन हुसाम कादी साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया थे। आपकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर लेजेंड हुसाम कादी साहब को बख्श दें। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोज के लिए प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।